गाइस आज तक हमने कभी ना मोर का बच्चा नहीं देखा है, फिर भी बहुत बड़ा तालाब है। तो अब हम निकल चुके हैं खरगोश वाले पार्क की तरफ। मजा आ गया। हम आ चुके हैं रैबिट पार्क में, जो इसी गौशाला के अंदर है। आ जा मनराज, जल्दी आ, जल्दी आ। अपने आप लगाएगा। अपने आप लगाएगा। खुश हो गया। कितने सारे रैबिट्स हैं। ना, बिल्कुल नहीं छोड़ू, आप बस छोड़ दो बस। अरे देखो गाइस, ये कितना छोटा सा नोना सा रैबिट है। वही वही, कितने दिन का है ये? 16 दिन का छोटा सा नूनू सा है। ये चल, ये लो। कुछ जाएगा। चलो, उतने छोटे छोटे रैबिट्स। अब मनराज आ गया एक और यहाँ पे नई चीज देखने। ये देखिए गौशाला में क्या क्या है भाई। मनराज ये देख, ये क्या है? देखो तो सही, देखो मिलना है वो, आपसे मिलना है वो, देखो तो सही। फिंगर नहीं अंदर बेटा। कैसे कर रही है? कैसे काट लेगी एक मिनट में। बाय बाय कर दो, फ्लाइंग किस कर दो। वाह जी वाह। भैया कह रहे काटती है वो। देखो वो क्या है भाई, ये क्या है भाई? तीतर है। तीतर, ओए गाइस, आज तक हमने कभी ना मोर का बच्चा नहीं देखा है। ये अशोक भाई हमें आज मोर का बच्चा स्पेशली दिखाने ले जा रहे हैं कि मोर का बच्चा दिखता कैसे है। उसको बिल्ली है ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बैठी है, इसके नीचे भी बिल्ली है। दो एक मिनट सेकंड में उठा ले जाती है। अच्छा। हाथ में से पोंछ ले जाती है। अच्छा। बिल्ली को उठा के क्यों नहीं लेके जा? जानवर की अपनी जगह है ना, हर जानवर का अपना खाना है। अब जंगल में बोलो शेर को गायब कर दो तो कैसे चलेगा? हर एक अपना खरगोश था, उसका कान खा गई, तो उसके इलाज के लिए यहाँ डॉक्टर भी है इसी गौशाला के अंदर। भाई साहब जरूर आओ इस गौशाला में। देखो 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 मोर मोर का भी। अरे अरे भाई साहब, ये लो हाथ लगाओ। आ तेरी इसकी डिजाइन से पता लगा कि मोर नहीं। ओए देखो, टच करो टच करो टच करो, कितना प्यारा है देखो, कितना अच्छे। देखो ओए होए, हमने तो आज तक नहीं देखा भाई। जय कर दी भाई, इसने जय कर दी भाई। हाय हाय, जय हो जय। बीचता नहीं, बीचता नहीं, बहुत प्यार से पकड़ता है, उसको आता ही नहीं। प्यार से छोड़ दे। नो नो नो, इसको बिल्ली ये जब बड़ा हो जाएगा ये खुद सांप पकड़ेगा। हर एक का अपना खाना है ना, और क्या। वो सांप खा जाता है, बड़े से बड़ा सांप पकड़ के ले जाता है। अच्छा। और क्या। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मैं आपका राम सुंदर जी, इन सब का ख्याल रखते हैं, इन सब, ये देखो कबूतरों का, वो बतकों का, सबका आप ख्याल रखते हो ना। बड़े अच्छा काम कर रहे हो सर, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, मिलके बहुत अच्छा लगा हमें, धन्यवाद। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन अभी बने रहे। अभी हम जा रहे हैं एक तालाब की तरफ जहाँ मछलियाँ भी है, बतके भी है। गाइस हम तालाब की एंट्री ले रहे हैं। ये देखो मोहन, वो देखो पानी। अच्छा गाइस, ये देखो ये बतके बैठी हैं और हम इतना दूर हैं इनसे, और इतना ये देखिए। अशोक भाई ने भाई साहब हमें यहाँ पे खरगोश के दर्शन करा दिए और आगे बतख भी दिखा दी। अब हम निकलते हैं बस घर के लिए, रात हो रही है। दो चार और यहाँ पक्षी हैं, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने यहाँ पे अरेंजमेंट कर रखा है सबके रहने का, और उसके बाद बस अब हम घर चलते हैं। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू सो मच। कर लिए गौशाला के दर्शन, मजा आ गया ना आके ना। मनराज तेरे को भी मजा आ गया? मजा को। इस गौशाला की एक और खास बात है, यहाँ जो घी मिलता है ना
उसकी प्योरिटी का कोई मुकाबला नहीं है। मतलब वो पूरा प्योर होता है, कोई एडल्ट्रेशन नहीं होती है। ये लोग यहीं पे बनाते हैं बिनोला प्रोसेस से। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीलॉग गाइस। अगर वीलॉग वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ये गौशाला के दर्शन करें श्री कृष्ण गौशाला भवाना में। और प्लीज़ यार अगर वीडियो पसंद आया तो सच में सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। दादू जाए बाय कर दे, दादू को बाय कर दे, चल दादू को बाय कर दे पहले। गौशाला से हम घर आए और आते ही देखो मम्मी ने क्या तैयार कर रखा हमारे लिए। गरम गरम पाव भाजी, मैंने पाव भाजी बहुत अच्छी बनाई, अच्छे बनाए भाई, वेरी गुड। इनको इंदिरा गांधी बहुत पसंद है क्या? मजा ही नहीं आया। अरे गरम गरम आया मैं बटर लगा के, वेरी गुड गुड जॉब गाइस, बहुत टेस्टी पाव भाजी बनाई, मजा आ गया।